तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने पहले से जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो बना के रखा है। तो इस तरीके से मैं आपको भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। आपके पास जो भी वर्ड हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इसके अंदर भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है और इसके बाद सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट और या पिक्चर्स, इसके बाद यहाँ पे पिक्चर को सिलेक्ट करना है एमएस वर्ड के अंदर और लेके आना है आपके पास। तो मैं आपको दिखाऊंगा मेरे पास ये दो पिक्चर्स हैं, इनको मैं एमएस वर्ड के अंदर लेके आऊँगा। और इसके बाद अगर पिक्चर पर क्लिक करना और या फॉर्मेट, इसके बाद टेक्स्ट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप पिक्चर को इधर उधर घुमा सकते हैं, क्रॉप या साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें फिर से इंसर्ट पे क्लिक करना है और पिक्चर्स, दूसरा पिक्चर लेना है, हमें जॉइंट फोटो बनाना है। और जहाँ पे भी आपने पिक्चर को रखा होगा वहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, इसके बाद टेक्स्ट राइटिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। इसके बाद पिक्चर को थोड़ा इस तरीके से इसका साइज कम कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद यह करना है, इसके बाद इन दोनों पिक्चर्स का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से ऊपर पर कोई वर्जन है तो इसके अंदर बिल्कुल आसानी से आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 से नीचे कोई वर्जन है तो उसके अंदर भी आप बिल्कुल आसानी से पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तो किसी ब्राउज़र को ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र या जो भी ब्राउज़र आपके उस ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है बी जी रिमूव, एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। बी जी रिमूव बैकग्राउंड फॉर फ्रॉम इमेज फॉर फ्री, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ डेस्कटॉप, जहाँ पे भी आपने पिक्चर रखा होगा वहाँ से आप पिक्चर ले सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप पे रखा, मैं डेस्कटॉप पे पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा। और यहाँ पे आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप HD में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल से साइन अप करना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे डाउनलोड HD इमेज में डाउनलोड पिक्चर कर सकते हैं। इसके बाद मैं डाउनलोड भी क्लिक करूंगा और यहाँ फोल्डर में फोल्डर भी क्लिक करूंगा, तो पिक्चर आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ कॉपी करूंगा, पिक्चर को कॉपी करूंगा Ctrl+C और डेस्कटॉप पे पेस्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है पिक्चर पे वो रिमूव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। इस तरीके से आप वहीं से बैकग्राउंड, किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, इसके बाद एमएस वर्ड के अंदर भी आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए पिक्चर पे क्लिक करना है और यहाँ फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है BG रिमूव बैकग्राउंड, आप देख सकते हैं रिमूव बैकग्राउंड एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं पिक्चर को इस तरीके से यहाँ पे सेट करूँगा, इस तरीके से एडजस्ट करूंगा इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आधा पिक्चर जो है वो सिलेक्ट, बैकग्राउंड इसका आधा सिलेक्ट हो चुका है, पूरा आधा में सिलेक्ट करूंगा। इसके लिए आपको यहाँ मार्क एरियाज टू रिमूव, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस तरीके से पिक्चर का बैकग्राउंड इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है। इस तरीके से बैकग्राउंड पिक्चर का बैकग्राउंड है इस तरीके से सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर का बैकग्राउंड सेट हो चुका है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं पिक्चर का बैकग्राउंड जो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको सिंपली साइड में क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। तो आप देख, इस तरीके से आप एमएस वर्ड के अंदर पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पिक्चर है, इसका भी बैकग्राउंड मैं पहले चेंज करूँगा। और इसके बाद इसके लिए क्या करना, इसके लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करना है और पिक्चर को इस तरीके से यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, एडजस्ट करना है। जहाँ तक आपको पिक्चर को
पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना होगा, वहीं से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसका भी बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद साइड पर क्लिक करना है तो बैकग्राउंड वो रिमूव हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। इसके अंदर भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन दोनों पिक्चर को मैं थोड़ा क्रॉप करूँगा और इस पर क्लिक करके फॉर्मेट करना है और यहाँ क्रॉप पिक्चर को अपने हिसाब से क्रॉप करना है। आपको जितना मर्जी आप कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से पिक्चर को क्रॉप करना है इस तरीके से। इसके बाद दूसरा पिक्चर इसको भी मैं क्रॉप करूँगा। अब अपने हिसाब से कर सकते हैं जितना आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से इन दोनों को क्रॉप करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को इस तरीके से लेके आना है। इन दोनों को इस तरीके से आप लेके आना है, इस पर क्लिक करना है और इसको मैं रोटेट करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर क्लिक करना और फॉर्मेट यहाँ रोटेट ऑप्शन हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ फ्लिप रो, यहाँ पे फ्लिप हॉरिजेंटल भी इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करना है, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है और इसके बाद यहाँ इसके बाद फॉर्मेट क्लिक करना है और ब्रिंग बैकवर्ड करना है इस तरीके से। इसके बाद मैं इसको थोड़ा क्रॉप करूँगा नीचे की तरफ इस तरीके से। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पे ले आ सकते इस तरीके थोड़ा इस तरीके से ओपन थिंक। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं आज आपको दिखाया इस तरीके से आप भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, फिल्टर फोटो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये जो पिक्चर है अलग अलग पिक्चर है इन दोनों को ग्रुप बनाना है और जोड़ना है। इसके लिए क्या करना, इसके लिए इन दोनों को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है और माउस से इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुपिंग एक ऑप्शन, ग्रुप एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है ग्रुप और यहाँ पे ग्रुप करना है, इन दोनों को ग्रुप करना है। तो ये दोनों जो है वो ग्रुप हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये ग्रुप हो चुका है। इसके बाद आप इन दोनों को इस तरीके से इधर उधर घुमा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके बाद इन दोनों का आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा आप इन दोनों का साइज़ कर सकते हैं इस तरीके से जितना आपको अच्छा लगेगा इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद पिक्चर का बॉर्डर सेलेक्ट करना है, इसके लिए आपको यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट और शेप्स यहाँ पे रेक्टेंगल शेप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, रेक्टेंगल शेप ये वाला इसको सिलेक्ट करना है और इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग करना है इस तरीके से ड्रैग करना है। और इसके बाद यहाँ फॉर्मेट और शेप फिल और यहाँ शेप आउटलाइन शेप फिल जो है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें शेप का इस रेक्टेंगल का कलर वाइट करना है, यहाँ पर वाइट मैं सिलेक्ट करूँगा और इसका जो बॉर्डर है रेक्टेंगल का बॉर्डर है वो यहाँ पे ब्लैक रखना है। इसके लिए शेप आउटलाइन इस पर क्लिक करना और यहाँ पे इसका बॉर्डर ब्लैक रखना है। जो आपको अच्छा लगेगा वो बॉर्डर का कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इनके ऊपर पिक्चर लेके आना है इस तरीके से, इस पर पिक्चर क्लिक करना है और इसके ऊपर लेके आना है इस तरीके से, छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट पर क्लिक करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेंज, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो आप देख सकते हैं पिक्चर जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर आ चुका है। इस तरीके से एडजस्ट करना है, आप अपने हिसाब से पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो रेक्टेंगल जो है इसको हमें ग्रुप करना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए होम पे क्लिक करना है, होम और यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट, इस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे सिलेक्ट प्लान इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें पिक्चर वन जो पिक्चर टू है ये दोनों ऑलरेडी ग्रुप हो चुका है। इसके बाद हमें करें रेक्टेंगल, नीचे आप देख रेक्टेंगल इसको हमें ग्रुप करना है पिक्चर के साथ। इसके लिए कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और रेक्टेंगल से किस पे कीबोर्ड से प्रेस करें, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, रेक्टेंगल जो वो यहाँ पे आ चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद पिक्चर पे राइट क्लिक करना है, की माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ ग्रुप एक ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ ग्रुप करना है। तो रेक्टेंगल जो है वो भी इसके अंदर एडजस्ट हो चुका है, ग्रुप हो चुका है। तो आप देख सकते हैं
इनके साथ रहे एट रेक्टेंगल भी ग्रुप हो चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं पिक्चर का बॉर्डर वो भी आ चुका है। इसके बाद आप देख सकते हैं ज्वाइंट फोटो वो तैयार हो चुका है। तो इसके बाद ये जो पिक्चर है दूसरा इस पर मैं फिल्टर लगाऊंगा, थोड़ा क्लियर करूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इस पिक्चर को मैं फिल्टर लगाऊंगा, थोड़ा क्लियर करूंगा। इस पर डबल क्लिक करना इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ फॉर्मेट या करेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी फिल्टर आप यहाँ पे इस पर लगा सकते हैं इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करना है, और आप अपने हिसाब से कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, कितना कॉपी बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से इन सबका साइज कम कर सकते हैं इस तरीके से, जितना मर्जी आप यहाँ पे इनका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे चार इनके अंदर सेलेक्ट चार कॉपी करूँगा, कंट्रोल डी करके यहाँ पे इस तरीके से चार कॉपी सेलेक्ट करूँगा। और दोनों को सिलेक्ट करना है, वो कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड माउस इस तरीके से ड्राई करके यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद इनको सेलेक्ट करना और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है और माउस से इस तरीके से ड्राई करके इस तरीके से नीचे लेके आना इस तरीके से, इस तरीके से फिर से इनको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट इस तरीके से ड्राई करके नीचे लेके आना इस तरीके से। उसके बाद फिर से कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड से ड्राई करना है इस तरीके से, फिर से कंट्रोल शिफ्ट करना है इस तरीके से। अपने हिसाब से कर सकते, जितना कॉपी आप निकालना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और माउस इस तरीके से ड्राई करना है, अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। इस तरीके से इस रीजन को यहाँ पे एडजस्ट करना है, ऐसा आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस लाइन के अंदर यहाँ पे चार भी बना सकते हैं, आप चार फोटो तीन 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 भी बना सकते हैं, जितना मर्जी आप पांच भी बना सकते हैं, पांच के रख सकते हैं। तो मैंने आपको बस दिखाया, आप इसके बाद अपने हिसाब से कर सकते हैं कितना फ़ोटो निकालना चाहते हैं, कितना कॉपी रखना चाहते हैं, और ए फोर साइज़ के अंदर कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप वो आप पर डिपेंड करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से आप एम सोट के अंदर ज्वाइंट पासवर्ड साइज फोटो बना सकते हैं। तो आपके पास एम सोट का जो भी वर्जन होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से इसके अंदर ज्वाइंट पासवर्ड साइज फोटो बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल कर, अगर सेव करना चाहते हैं फाइल भी क्रिएट करना है और यहाँ सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, सेव भी आप रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारा आने वाला हर कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।